हेलो दोस्तों, सो गाइस, अगर जो मान लीजिए आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करना चाहते हो, मतलब निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल से मान लीजिए आप क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट निकालना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपल से किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको सर्च बॉक्स में लिखना है UPMSP, उसके बाद लिख देना है रिजल्ट रिजल्ट लिखने के बाद सर्च कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही ये वेबसाइट आ जाएगा UPMSP। यह एक रियल वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो सिंपल से इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जिस भी ईयर का मान लीजिए आप चेक करना चाहते हो, 2022, 2021, 2020, तो 20 में तो नहीं हुआ था, 21 में नहीं हुआ था। तो सिंपल से आपको जिस भी ईयर का चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं 2023 का पिछले साल एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, उनका मैं रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का। तो सिंपल से यहाँ पे सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप 2023 से पहले का अगर जो आप रिजल्ट चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट के बगल में आपको लिख देना है 2019, मान लीजिए 2019 का मैं चेक करना चाहता हूँ, और क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ, तो मान लीजिए मैं क्लास ट्वेल्थ का चेक करना चाहता हूँ, तो सर्च कर देना है ऐसे ही, और वेबसाइट आएगी UPMSP, इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे 2020 से मतलब 2015 से 2020 तक आ चुका है, जिस भी ईयर में आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था उस ईयर को चूज कर लो, रोल नंबर डालो और सुरक्षा कोड डालो। तो हम चेक करना चाहते हैं 2023 का, तो सिंपल से यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं और रिजल्ट में यहाँ पे केवल सर्च करता हूँ और 2023 को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले आता है जनपद। तो जनपद में यहाँ पे हम अपना जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, नाम से भी आप सर्च कर सकते हो या कोड से भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आता है रोल नंबर। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। तो जो भी आपका रोल नंबर है, आपका मतलब प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में भी होगा आपका रोल नंबर, तो वही रोल नंबर आपको यहाँ भी डाल देना है। तो सिंपल से हम अपना रोल नंबर डाल देंगे, तो 22 37 56 32 64 रोल नंबर डालने के बाद व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है और ये पास है। यहाँ पे देख सकते हो मार्कशीट में इनका नाम भी आ चुका है, पिता का नाम, माता का नाम, सबका नाम आ चुका है, और देख सकते हो, और इनका देख सकते हो 233 500 में 233 है। तो ऐसे आप करके आसानी से किसी का भी रिजल्ट चेक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, मतलब